स्वागत करती हूँ आपका केकेआर न्यूज में। जबलपुर में शातिर जालसाजों ने शहर की एक महिला चिकित्सक को कॉल कर उनके पति की GIS फाइल को कंप्लीट करने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए करीब 17 लाख रुपए हड़प लिए। जहां अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता लगने पर महिला चिकित्सक द्वारा गढ़ा थाने में मामले की FIR दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामले? ये जो हमारे पास में एक शिकायत जो है साइबर सेल से जांच होने के बाद में उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए आया है। ये एक डॉक्टर अलका वैद्य हैं जो नेहरू नगर में रहती हैं। इनके उम्र लगभग 68 वर्ष हैं। इनके पति हैं। इनका कोई GIS से संबंधित कोई पैसा पेंडिंग है, इनका नहीं निकला है, जिसके संबंध में इनके पास में एक फ़ोन आया कि हम वो पैसा निकाल देंगे, तो उसमें आपको 24,000 कुछ रुपए की फ़ीस जमा करना पड़ेगा। उन्होंने वो उनके कहे अनुसार 24,000 की फ़ीस जमा कर दी। फिर उसके बाद में उनका फ़ोन आया कि इसमें 2.5 लाख या एक सम अमाउंट जो कुछ था कि वो करेंगे, तो वो प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह लगेगी। और इस तरीके से इन्होंने लगभग 4-5 बार में 16,90,000 चार अलग अलग मोबाइलों से वो लोग बात कर रहे थे। और इन्होंने अपने क्या बोलना चाहिए, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उन अकाउंटों में जमा कर दिया। इसके बाद जब वो फ़ोन बंद आने लगे तब इनको शक हुआ, तो इन्होंने एक आवेदन SP साहब के माध्यम से साइबर सेल में दिया, जिसकी जांच साइबर सेल द्वारा की गई और जांच के बाद में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए हमें प्राप्त हुआ, जिस पे कल हम 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए। अभी तक इसमें पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं, कौन है? ये साइबर सेल इसकी पूरी जानकारी कर रहे हैं और जो भी प्रोसेस है साइबर सेल के माध्यम से ही होगी। साइबर सेल ने इसमें वर्कआउट किया हुआ है, अब आगे इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन हम लोग करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।